आपको साइंस और ज्योग्राफी में कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे कि उसके जो एवरेज है, जो उसके परसेंटाइल हैं, वो 85 हो जाए। ठीक है सर, ठीक है सर। कैसे करेंगे इसे? तो सबसे पहले हम जाएंगे सॉल्वर में। सॉल्वर में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे हे व्हाट्स अप यूट्यूब, आज हम समझेंगे एक्सेल में सॉल्वर को किस तरह से यूज किया जा सकता है। अभी ये ट्यूटोरियल कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने मेरा पुराना ट्यूटोरियल गोल सीक अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि सॉल्वर को समझने के लिए पहले आपको गोल सीक का आना जरूरी है। तो गोल सीक में क्या होता है कि आपके पास एक ही सेल दी हुई होती है चेंज करने के लिए, लेकिन सॉल्वर में हम मल्टीपल सेल्स को मैनिपुलेट करके आउटपुट निकाल सकते हैं। अभी ये बातें जो है आपके थोड़ी सी सिर के ऊपर से जा रही होंगी, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम सॉल्वर को एक्टिवेट करते हैं। सॉल्वर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है एक्सेल ऑप्शंस में। एक्सेल ऑप्शंस में जाने के बाद एडिट्स में जाना है। यहाँ पे आपको अभी मैंने ऑलरेडी इसे एक्टिवेट किया हुआ, इस वजह से ये यहाँ एक्टिव एप्लीकेशन और एडिट्स में आ रहा है, लेकिन आपको ये यहाँ नज़र आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, सॉल्वर पे क्लिक करने के बाद आप गो पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो वो सॉल्वर एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट करने के बाद आपको सॉल्वर मिलेगा डेटा में। आपको डेटा में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट जो ऑप्शन है वो है सॉल्वर। अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अगर आपने मेरा पहला गोल सीक वाला ट्यूटोरियल देखा है तो उसमें हमने देखा था कि हमें जो एक्सपेक्टेशंस है वो 300 रन की है, और सी सेल में हमें कितने रन बनाने होंगे, यानी कि प्लेयर सी को कितने रन बनाने होंगे जिससे कि ये जो स्कोर है 244 से बढ़ के 300 हो जाए। ओके, अब सॉल्वर में ऐसा होता है कि आप मल्टीपल सेल्स ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ ए, डी और एफ का स्कोर है। हम ये चाहते हैं कि टोटल जो है हमारा स्कोर 300 हो। तो 300 स्कोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम सॉल्वर में जाएंगे। अब सॉल्वर में वो पूछेगा कि टारगेट सेल कौन सी है आपकी। तो टारगेट सेल कौन सी होती है जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पे, एक मिनट में इसे क्लोज करता हूँ, जी हाँ, 141 पे मैंने एक सम फॉर्मूला लगाया है जो कि इस सब का टोटल है। अभी मैं सॉल्वर पे जाता हूँ और सेट टारगेट सेल, सेट टारगेट सेल पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मैंने मेरा आउटपुट है, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है सम। अब ये पूछता है कि इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम और मिनिमम हम बाद में समझेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू जो हो वो कितनी हो जाए, 300। तो मैं यहाँ पे 300 रन कर देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट इसमें पूछता है कि बाय चेंजिंग सेल्स, तो आपको 300 रन पूरे करने के लिए कौन सी सेल चेंज करनी है। तो मुझे चेंज करनी है एक तो ये वाली सेल, उसके बाद कॉमा लिखेंगे हम, उसके बाद सी वाली सेल, उसके बाद कॉमा, फिर ये ई वाली। ठीक है सर, अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर क्या आता है। जैसे ही मैं सॉल्व पे क्लिक करूँगा तो ये तीनों सेल में जो मिनिमम वैल्यूज रिक्वायरमेंट होंगी वो यहाँ पे मेंशन कर देगा, जैसे कि हर एक को, बी को, सी को और ई को 53 रन बनाने, 300 रन पूरे करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अभी सॉल्वर काम कैसे करता है, तो हमें टोटल चाहिए 300 रन चाहिए। हमारे पास हैं 141 रन्स। 300 रन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बी को सर ऐसा करते हैं 60 रन बना देते हैं, सी को 65 रन, और 266 यानी कि 44 रन अगर ये बनाएगा तो, नहीं, ज़्यादा हो गया, 34 रन अगर ये बनाएगा तो 300 रन इसके हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये हिट एंड ट्रायल से करते हैं, लेकिन सॉल्वर को हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में काम करता है और ये गोल सीक का एडवांस्ड वर्जन है। अब अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने, राम ने इंग्लिश में 80 मार्क्स गेन किए हैं, मैथमेटिक्स में 88 मार्क्स हैं, साइंस में उसका रिजल्ट आना बाकी है, ज्योग्राफी का उसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं 85 मार्क्स की। तो राम को साइंस और ज्योग्राफी में कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे कि उसके जो एवरेज है, जो उसके परसेंटाइल हैं, वो 85 हो जाए। ठीक है सर, ठीक है सर। कैसे करेंगे इसे? तो सबसे पहले हम जाएंगे सॉल्वर में। सॉल्वर में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे ये एवरेज का फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो सेट सेल में हम एवरेज वाला फॉर्मूला रखेंगे।
अब आपको वैल्यू ऑफ, यानी कि कितने मार्क्स चाहिए? हाँ सर, हमें 85 मार्क्स चाहिए राम के लिए। तो कौन कौन सी सेल चेंज करनी है? एक तो मुझे सेल चेंज करनी है साइंस वाली, और एक चेंज करनी है ज्योग्राफी वाली। ओके सर, तो जैसे सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि साइंस में उसे 85.5 मार्क्स चाहिए, और ज्योग्राफी में उसे 85.5 मार्क्स चाहिए, टोटल 85% गेन करने के लिए। ठीक है सर, अब इसमें हम एक कंडीशन लगा के देखते हैं। चलिए ज्योग्राफी के भी मार्क्स हटा देते हैं और साइंस के भी हटा देते हैं। अभी तीनों के मार्क्स हम हटा देते हैं, सोशल साइंस के भी हटा देते हैं, सिर्फ इंग्लिश में रहने देते हैं। और हम ये जानते हैं कि सोशल साइंस में कभी किसके 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते हैं, ज्योग्राफी में 99 आना मुश्किल है, मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, साइंस में भी ऑलमोस्ट 90 to 95। तो हम सबकी एक एक एक्सपेक्टेशंस होती है, तो हम अभी इन सबको हटा देते हैं। सबसे पहले हम सेट टारगेट सेल करेंगे, ये वाला जो कि हमारा एवरेज फॉर्मूला लगा हुआ है। चेंजिंग सेल में हम जाएंगे, कौन कौन सी सेल चेंज करनी है हमें? ये और ये। अब हम जानते हैं कि मैथ्स में लेस देन इक्वल टू कितने आ सकते हैं? 100। इसके बाद ऐड करते हैं हम साइंस में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स? 95। फिर ऐड करते हैं सोशल साइंस में कितने आ सकते हैं हम? 80। 80 कर देते हैं। ओके, अब मैं जैसे ओके करूँगा और सॉल्व पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे कि मैथ्स में हमारा जो मार्क्स आए हैं वो 88.33, और साइंस में भी इतनी आए हैं और ज्योग्राफी में भी इतनी आए हैं। अगर आप इसका एवरेज देखेंगे तो ये होगा 85 मार्क्स। तो इस तरह से सॉल्व अगर का काम आपको ये मेरा करता वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। अगर आपको कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा।